नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के कई वार्डों में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी स्वाति के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए और वार्ड नंबर 4 की जनता से अपील की कि वह नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत कर सोलन में महापौर और उपमहापौर भाजपा के बिठाएं। जनसभा के उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राठौर मुझे बाध्य नहीं कर सकते कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहां जाना होगा वह वहां जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा लगातार नगर निगम चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि हिमाचल में सोलन नगर निगम पहली बार बनी है। सोलन बहुत बड़ा शहर है, जहां सोलन विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है तो वहीं जनसंख्या भी सोलन में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सोलन का प्लान वे में विकास किया जाए, इसके लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी करके सभी कामों का रोडमैप तैयार किया है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 17, 3, 8, 5, 9, 10, 11, 7, 12, 1 सहित 16 वार्ड में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील स्थानीय जनता से की। देखिए, वो हमको इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पार्टी ये चुनाव हो रहा है, जहाँ पार्टी कहेगी मैं वहाँ जाऊँगा, ये मेरा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। वो अपनी पार्टी चलाए, जहाँ हमको अपनी पार्टी चलानी है हम उसको बहुत बेहतर ढंग से चलाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कॉरपोरेशन पहली बार बनी है, पहली बार कुछ एक बातें हमने यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट के साथ कही। हमारा उसमें सिर्फ कहने का अभिप्राय यह है कि सोलन बहुत बड़ा शहर है और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। ऐसी सूरत में यहाँ कॉरपोरेशन की आवश्यकता थी कि एक प्लान्ड वे में यहाँ पर डेवलपमेंट का आने वाले समय में काम हो, और उस तरह से हमने जो है यहाँ की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ हमने कॉरपोरेशन बना करके दी है। और अब हम सोलन के निवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो हमको उसको सहयोग दें, साथ चलने वाली कॉरपोरेशन हो तो हम यहाँ विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने में काम